सैर भी खबर भी। आप सुन रहे हैं द सूत पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। ब्रिटेन की 56वीं पीएम लिज ट्रस की नई कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। इसके बाद पीएम लिज पहली बार सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचेंगी, जहां पर वे संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगी। लिज ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम है। उनके पहले मार्गरेट थ्रेचर और थेरेसा मे इस पद पर रह चुकी हैं। लिज मार्गरेट थ्रेचर को अपना आदर्श मानती हैं। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। इसमें 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्रीनगर तक यात्रा की जाएगी। देश के पिछले 75 वर्षों के इतिहास में ऐसी यात्रा किसी राजनीतिक दल ने नहीं की है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे। इनमें पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा सहित युवा नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में चलने वाले 117 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है और इनमें लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। इस सूची में उत्तर प्रदेश से 10, मध्य प्रदेश से 10, महाराष्ट्र से 9, राजस्थान से 9, तमिलनाडु से 3 भारत यात्री शामिल हैं। साथ ही कई अन्य राज्यों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक आज से शुरू होगी। इसको लेकर संघ के प्रमुख मंगलवार देर शाम ही रायपुर पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ करीब 2 दर्जन सदस्य भी रायपुर पहुंचे। 7 सितंबर से 9 सितंबर तक यह समन्वय बैठक होगी। इस दौरान बैठक में तय किया जाएगा कि 10 से 12 सितंबर तक होने वाली बैठकें किस एजेंडे पर आधारित होंगी। समन्वय बैठक को लेकर माना जा रहा है कि अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की भी रूपरेखा बनेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए एमपी बीजेपी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एशिया कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच के साथ ही टूर्नामेंट की दशा और दिशा तय हो जाएगी। सुपर फोर की इस जंग में जीत के साथ पाकिस्तान टीम अपने एक पैर फाइनल मुकाबले में जमा लेगी, जबकि अफगानिस्तान श्रीलंका से अपना पिछला मुकाबला हारने के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दम के साथ मैदान में उतरेगी। बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला भारत के हाथों हारने के बाद इस टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हांगकांग और फिर भारत को सुपर फोर के मैच में मात देते हुए पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल की ओर बढ़ रही है।